हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं रेंट सिमुलेटर खेलने वाला हूँ। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझसे ना पहले की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। तो वो रेंट सिमुलेटर की मुझसे पहले की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, तो उसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पे अभी कितना पैसा है। मैंने बहुत सारी हंटिंग करी थी, तो फिर मुझे यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना एक बार आपको अपना टूर करा देता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा घर बना हुआ है। मैं वो सॉरी बोलना चाहता हूँ, मेरी FPS थोड़ी सी कम आ रही है गेम की। वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा बहुत मेरा वो PC के अंदर बहुत सारी वो खुली हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कम हो रही है FPS। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्मॉल चिकन कूप बना रखा है और एक प्रीमियम बना रखा है। तो वो मेरी सारी चिकन जो थी वो मर गई थी, क्योंकि मैं हंटिंग में इतना जुट गया था कि उनके बारे में सोचना ही भूल गया। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं मेरे यहाँ पर मिल्क कैन पड़े हुए हैं, ट्रक के अंदर थोड़ा बहुत सामान होगा। नहीं, चिकन्स हैं तो चिकन को, हाँ मैं चिकन लाया था पिछली बार, तो चलिए अब हम चिकन को उनके कूप में लेके चलते हैं। तो फिर आप देख ही सकते हो कि चिकन को कूप में ले जाने में, ये प्रीमियम कूप बना रखा है मैंने, लेकिन मैं भी अंदर चला जाता हूँ। देखिए मैं भी अंदर चला जाता हूँ इससे, मतलब चिकन तो जाती ही जाती है, उसके साथ मैं भी चला जाता हूँ। अरे भगना रे, क्या कर रहा है रे तू? अरे बात बोलूँ मैं, रेंट सिमुलेटर का जो प्लेयर है उसका थोड़ा सा अजीब सा भागने का स्टाइल, अजीब नहीं लगता आपको? देखना कैसे शरीर का बैठता है। और ये देखो, ये वाली चिकन है, और अब इसको नहीं तो, ये तो काउस का है ना यार, मैं भी कितना पागल हो गया हूँ ना। आप ये करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे, चिकन को प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे ई दबा के खुद बाहर आ जाएंगे। ये मैंने ट्रक लिया था, वो क्या कहते हैं, मेरे को काउज लानी थी, तो उसके लिए ट्रक की जरूरत थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पे कितनी सारी काउज हैं। देखिए ये काउ है, ये बंद कर दे रहा हूँ ना, बाहर भाग जाती है। अरे मैं बाहर से चला गया, अभी बेचारी का टकला बाहर आ गया। सही है ना यार, ये रेंट सिमुलेटर का लॉजिक ना थोड़ा सा डेड लगता है मुझे भाई, डेड लॉजिक गेम है ये थोड़ा सा। देखना कैसे मैं अंदर भी नहीं जा पाता जब ये ऐसे अटक जाती है। देखना एक और आ जाएगी पागल की, बंद करो यार इसे, सेट फ्री करो पागल का। मैं आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाता हूँ। देखिए अरे यार मैं फंस जाता हूँ यार, रात भी होने वाली है थोड़ी बहुत। हाँ मेरे को अपना वो ये थोड़ा सा अपडेट करना था, तो अभी अपडेट कर दूंगा मैं। तो चलिए मैं आपको एक बार ना अपना वो दिखा देता हूँ। तो मैं ना एक पिग लाया था, तो पिग वो मर गया। वो क्या कहते हैं ना, मेरे बाहर जो ग्रेनरीज का है वो खत्म नहीं, मेरे पे नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं मेरी हैंड मर चुकी है यहाँ पे, तो उसको ना मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप बाहर देख सकते हैं, बाहर मेरी एक काउ घूम रही है और अंदर दो काउ, तीन काउ है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी और काउ लाऊं और इनसे मिल्क लेके बेचूंगा, तो फिर ज़्यादा पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, है ना। मैं बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो काउज होती हैं इनको हम लोग उनके साथ रखते हैं, मतलब ये जो हेंस होती हैं इनको हम लोग काउज के साथ रख सकते हैं? आप मुझे कमेंट पर बताइएगा। तो मैं अब चिकन्स को हम लोग उनके कूप में लेके चलते हैं। चिकन को हम उनके कूप में लेके जाएंगे, तो अब हम लोग चिकन को उनके कूप में रख लेते हैं। चलिए बारिश हो देता है यार, क्यों हम लोग इनका इतना ध्यान रखते हैं। हाँ वैसे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अब बहुत रात हो रही है, दिख भी नहीं रहा, तो चलिए सो जाते हैं अभी। और ये मेरे नाम को थोड़ा सा इग्नोर मारिए, वो क्या कहते हैं ना, लॉगिन का पूरा उड़ गया है, तो उसकी वजह से नाम थोड़ा सा अजीब दिखा रहा है। अरे इन्होंने तो ट्रक में ही अंडे दे दिए रे, अब क्या भाई, इतने अंडे अभी से मिलने लगते हैं। पार्टी है रे, पार्टी जिसने का पार्टी जिसने का पार्टी। एक मिनट बस, यहाँ पे हम लोग कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अरे हाँ इनकी बिल्ड कर देता हूँ मैं यहाँ पर ना, ये जो इनका फीडर है। और कुछ बिल्ड कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर? चेक करें, चेक करते हैं यहाँ पर कुछ बना सकते हैं। चिकन प्रीमियम
प्रीमियम प्रीमियम बना सकते हैं, चलिए प्रीमियम बनाते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले वो लैंड रोवर लाना पड़ेगा। लैंड रोवर, मेरे को नाम ठीक से बोलना नहीं आ रहा, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार एक तो कभी कभी उसमें देखा है, जो स्टोर होता है ना जनरल स्टोर, तो उस पर इसका नाम था, तो फिर उसी जो लिखा हुआ है मुझे याद है, वो मैंने बोल दिया। ऐसे एक जोक सुनाऊँ आपको, तो सुनो। एक बार एक पापा और उसका बेटा जो होता है वो ऐसे वॉक कर रहे होते हैं, तो फिर बेटा बोलता है पापा से, वो ब्रिज से जा रहे होते हैं, तो बेटा पापा से बोलता है कि पापा पापा ये नदी क्यों होती है? तो पापा बोलते बेटा इसलिए होती है क्योंकि हमारे घर में जो पानी आता है वो नदियों से आता है। तो बेटा बोलता है अच्छा, तो वो पापा को धक्का दे के घर पे आ जाता है। मम्मी से बोलता है मम्मी मम्मी नल खोल लो पापा आएंगे। तो बेचारी मम्मी अभी भी आईसीयू में बंद। चलिए हम लोगों ने अब कौन सी ग्रास बच गई? भाई बच इतनी सी ग्रास, पूरा इतनी सी ये पूरा खत्म कर डाला रे पागल की। इस गेम का ना लॉजिक ही अजीब है यार, क्या बताऊं मैं आपको। रिकॉर्ड हो भी रहा है और मैं ऐसी बक बक कर रहा। हाँ हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, तो मैंने आपके बीच में ही खोल डाला वो OBS अपना रिकॉर्डर। तो अब हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये जोक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप ये भी बताइए कि अगली मैं वीडियो कौन से गेम की डालूँ। ठीक है चलिए अब हम लोग ये बनाते हैं। अरे यार मैं कैप की जगह ना कैप लॉक बजा दबा देता हूँ हर बार। चलिए अब हम प्रीमियम बनाएंगे, प्रीमियम प्रीमियम ये रहा। चलिए प्रीमियम बनाते हैं, तो प्रीमियम बन चुका है। एक मिनट, उसका फेस इधर है, उसका फेस उधर है, कोई बात नहीं। वहाँ पे कुछ है क्या? वहाँ पर लग तो रहा है कुछ है, क्या बना सकते हैं? मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। वाह इतनी छोटी सी जगह में इनका रेडियो टावर, भाई यहाँ पे रेडियो भी है। और भाई मुझे तो अभी अभी पता चला है रे। ओ भाई एकदम से ही वक्त बदल दिया, देख बात बदल दी है, जिंदगी बदल दी है, क्या होगा ये? तो अब हम अपना वो लेकर आते हैं, क्या कहते हैं, ट्रक, अपना ट्रक लेके वुड्स काट के ना, वो जो बान हाउस है ब्रीड करती। चलिए और हम लोग इन हैंड्स को ऐसे पटक देते हैं इनके उसमें सूट में। आइए है ना दी खाना, और यहाँ से छोड़ दे बस, ऐसे छोड़ दे। भाई सही बनाया है यार, मुझे नहीं पता था मैं आपके सामने कुछ ज्यादा वो एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि दरवाजा बंद करो यार, मुर्गी भाग रही है। क्या लड़का है बे तू, कैसा टेंशन है बे तू। हाँ मैं आपको बताना भूल गया, गेम भी ना एक ग्रैंडपा और एक ग्रैंडसन की बहुत गहरी दोस्ती है। आप तो शायद वो सुननी चाहिए। एक बेटा होता है और वो अमेरिका पढ़ाई करने गया होता है, और एक दिन ना वो सोचता है वो अपने ग्रैंडपा से मिलने आएगा। तो एक मिनट यहाँ पर पानी है ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा ना, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, हाँ ये रहा है ना, और यहाँ पे ई दबाएंगे, ये रहा ठीक। हम लोग से कहीं से हम लोग जा सकते हैं इसके? वैसे ना मुझे फिर ना इस वाले जो प्रीमियम कूप है ना, इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए अब हम लोग जो भी बन गया अब हम कुछ कर तो सकते हैं, जो मिला उसी सब कुछ रहना चाहिए ना। एक महान कवि बोल गया, इंसान कभी भी जो उसे मिलता है उसे खुश। और महात्मा गांधी जी एक डायलॉग बोल के गए थे कि नेचर हैज इनफ थिंग टू कंप्लीट अ मैन नीड, नॉट अ मैन नीड। बैठो कटाली। अरे वो टॉपर टाइप हो गए मैं। अरे यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक ने पूरा गेम प्ले खराब कर दिया यार, ये क्या है यार, ये क्या है? तो क्या क्या करूं मैं, बेचारे तेरे बेचारे टाइटेनियम भी इतने अत्याचार करते हैं, मैं कुछ बोलूंगा तो पुलिस बुला लेंगे। हाँ चलिए मैं मुर्गी को फिट करते हैं। बेटा प्रीमियम कितनी मुर्गी ले सकता है? मुझे खुद नहीं पता।
लगता है मुझे ना बैग का वीट लाने पड़ेंगे। लाया था शायद, नहीं लाया, सब कुछ मैं आपके साथ में करूंगा। सोच रहा हूँ कि ना इतनी सारी मुर्गियां पालूंगा तो ज्यादा अंडे मिलेंगे, पर अंडे से तो पैसा मिलता है रे बाबा रे बाबा। रामचंद्र जी की दही की होती आएगा। मुझे आगे का नहीं आता, माफ कर दीजिए, मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब है, मेरी बहन भी मुझे यही कहते फिराती है। हाँ तो आपको अगर मेरा कैम, मैं अपनी शक्ल तो अभी नहीं दिखाऊंगा, अगर जो मेरी शक्ल इतनी गंदी है आप बोलती आ रही, क्या बताऊँ मैं यार, क्या बताऊँ इस बच्चे की इतनी बुरी शक्ल है। बल्कि मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, बता रहा हूँ मैं। हम दरवाजा बंद कर डाला वरना मुर्गा जाएगा बाहर, अंडे का क्या करूं मैं भाया, मुझे नहीं पता। अरे दरवाजा है बंद करना, मुर्गी आती है वरना। वाह, मैं काफी अच्छा नहीं गाता, काफी गंदा गाता हूँ ना। हाँ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं कुछ। तो आपको मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पे विजिट करे हो तो आपने मेरी वो वीडियो तो देखी ही होगी, वो जो स्ट्रेटेजिक पीस करके मैंने एक छोटा सा ट्रेलर बनाया अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना मैंने उसके अंदर जो मैंने अपने चैनल का नाम पहले स्ट्रेटेजिक पीस रखा था, तो अब जो है इसका नाम मुझे स्ट्रेटेजिक पीस जो था ना इतना जट नहीं रहा था, और ऊपर से जब सर्च करते थे यूट्यूब पे तो वो स्ट्रेटेजिक पीस की जगह स्ट्रेटेजिक पीस की आवाज़ निकाल वो सर्च कर देता था। तो उसके लिए पहले अगर आपको यूट्यूब चैनल सर्च करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पीस लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो आता है ना सर्च इंस्टेड ऑफ करके, उस पर क्लिक करके फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक बीच आएगा है ना। तो उसकी वजह से मैंने वो स्ट्रेटेजिक बीच जो था उसको चेंज करके टाइटेनियम बीम रख दिया। वैसे आप बताइएगा मेरा नाम कैसा लगा, टाइटेनियम बीम। हाँ चलिए मैं एक काम करूंगा, इतना बड़ा तो काम कर ही दिया हूँ, तो एक काम करूंगा, इतना छोटा छोटा था फनी फनी पार्ट डाल दिया करूंगा। ये क्या कहते हैं, अरे मुर्गा फार्म में आ जाए वरना ऐसे मारेंगे ना जिंदगी भर, तप तप हो जाओगे, तप तप होली, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप ही था ना वो जो था उसका, टपा टप टपा टप टपा टप था ये टपा टप। अगर आपने ट्रिगर इंसान देखे होंगे तो आपने उसकी ये वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, द लीफ, क्या कहते हैं, जीरो सेंस इंडियन एडवर्टाइजमेंट करके वीडियो है। उसके अंदर उसने एक वो डाली थी कि टपा टप करके एक वीडियो डाली, मतलब एक वो एडवर्टाइजमेंट की पूरी सीरीज है, तो उसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर वो सोप बांट रहे होते हैं। ये पूछना है मुझे क्या मैं कहाँ से यहाँ पर है ना, अबे पागल हूँ क्या मैं इतना, अंदर चलो यार, बाहर क्यों आ रहे हो। तो मुर्गियां का ना बड़ा दिक्कत होता है रे, आजा 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 आजा, अबे आना रे पगली, जब गाय के साथ रहेगी मार देंगे ना तो डे, फिर जी लिया अपनी जिंदगी बची खुची की, तो वैसी चली गई बची हुई। तो अभी हम लोग ट्रक लेके निकल सकते, वो एक मिनट है कहीं पानी तो है ना अपने पास, वेल है ना, तो वेल से हम लोग उनके लिए पानी भर लेते हैं, और ये अंडे पड़े हुए हैं तो अंडे हम लोग थोड़े दिनों में मतलब जब बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो फिर अभी बास्केट तो मैंने खरीदी थी तो फिर ट्रक की ना जगह नहीं बची थी, मैं गाय भी लाया था मतलब काऊ भी लाया था, तो उसकी वजह से ना पीछे होना पड़ता है। क्या है ये, अबे हो जा घूम जा, अबे घूम जा रे, अबे घूम नहीं रहा रे। हाँ घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। भाई ऐसे घूमता है, अबे हो जा रे, अबे हो ही नहीं रहा भाई, क्या है ये, एक मिनट रुक जा, मैं ऐसे जाता हूँ फिर घूमेगा। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे घूम रहा है ये, बड़ा नॉटी घूम हुआ है ये।
और इतना टाइम तो कभी नहीं लिया मेरे लिए, इससे बढ़िया तो मैं वाटर बकेट से ही पानी निकालता था। चलिए अब इसको उठा के निकलते हैं हम मुर्गियों के फार्म, आई मीन फार्म में, जहाँ से भर भी सकते। ओ भाई इतनी जल्दी बीज भी खाली कर दिया इन्होंने पूरा, भाई धूप लगती है ना। ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, भाई। वे हो जा फिल, वाह मैंने तो यही उठा दिया ना। अभी रुकिए, इनको मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले, काम करता हूँ ना मैं, इनको ऐसे ही छोड़ जाता हूँ। ये अपने फार्म में तो आ ही जाते हैं, तो इनके लिए मैं तो सबसे पहले बहुत सारा वो लाना। अरे दरवाजा तो बंद करो रे, ऐसी दरवाजा खोल के हम लोग, वो क्या कहते हैं अपनी थोड़ी ना है। नमस्कार प्री, नमस्कार प्री, नमस्कार प्री। हाँ चलिए हम लोग अपना और क्या कहते हैं जनरल स्टोर चलते हैं, वहां से बीफ लेकर आते हैं बहुत सारा, क्योंकि ये चिकन जो है इनके वो अंडे गिर गए, अंडे गिर गए, ट्रक में से अंडे गिर गए है ना। और तो फिर हम लोग ना इनके लिए वीट लेने जाएंगे जनरल स्टोर से, और मुझे मैप की जरूरत नहीं पड़ती। वो बताया था मैंने आपको शुरू में कि मेरा ना वो रिपीट हो गया इसका पहले का जो वीडियो मैंने बनाया है, तो उसके लिए मुझे मैप कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इनके लिए वीट लेने चलते हैं, वीट लेने चलते हैं हम। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी ना ये जो सुपर ये जो स्मॉल ट्रक है ना, ये इतनी सारी काउस नहीं ले जा पा रहा था, तो ये काउस ना ऐसी घूमती जा रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था इनके लिए। तो मैंने सोचा वैसे भी मरनी है तो ऐसे भी मरनी है, तो मैंने इनके टकले पे हेडशॉट बढ़ा दिया। एक पीछे ना एक काउ है और ये एक काउ का मीट पड़ा हुआ है, तो उसे एक को बेच देते हैं, वैसे बहुत है, जब कमी पड़ेगी ना जब बेचेंगे। चलिए भाई अब हमने ट्रक को घर पर लिया पास, इसका खोलते हैं, ये पैसे तो हम पे बहुत है। वो मैंने वही खरीद रखा है पहले, तो भाई इतना पैसे वाले है तो फिर काम तो निकालना पड़ेगा ना। अरे बाप अरे बाप, एक तो चेन में ना बारिश बहुत जल्दी होती है। हाँ ये तो काम करते हैं हम ना, इतनी सारी बैग ऑफ वीट तो है वैसे भी, तो मैं सोचता हूँ कि ना 20 लेके चलते हैं, 10 तो है ही, 10 लिए नहीं 9 है ये, एक लेके चला गया था मैं, इतनी सारी चिकन लाया था तो आपने देखा ही होगा कि ना मैं 10 लेकर के आ गया था वापस है ना। और ये यहाँ पर रखते हैं, अरे कूद बता रहा है। चलो अरे चलना रे, हाँ चलता। और मैं ये बोलना चाहता हूँ तो हम लोग जो है वो कौन जाएंगे, अच्छा चलिए इतने काफी रहेंगे वैसे है ना, ये 4-5 घंटों में तो खत्म नहीं होने वाली, मुर्गियाँ भी तो बहुत है ना, उसके लिए पैसा भी बहुत लगेगा, तो उसके लिए बहुत सारे बैठे ना। तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए बस इतने ही लेके चलते हैं, बाद में लेके चलते हैं अगले वीडियो जब आएगी उसके अंदर हम लोग ये और लेके चलेंगे। पैसा तो वैसे ही बहुत है तुम्हारे भाई साहब। वैसे मुझे कमेंट में बताइए मेरा नाम टाइटेनियम भीम कैसा लगता है, यूनिक का नाम है ना, अजीब का भी यूनिक का भी अजीब का नाम। टाइटेनियम भीम का आइडिया मुझे क्या कहते हैं, मुझे टाइटेनियम वर्ड ना बहुत प्रोनाउंसिएशन करने में ना, मुझे टाइटेनियम वर्ड वर्ड जो है ना बड़ा वैसा लगता है सुपीरियर टाइप, जैसे होते हैं ना कुछ कुछ वर्ड जैसे जो आपको बहुत सुपीरियर फील करवाते हैं, मतलब जैसे कि किसी के लिए होता है रिपब्लिक ऑफ गेमर जैसे आरओजी, और किसी के लिए होता है कुछ और, किसी के लिए कुछ और, मेरे लिए तो टाइटेनियम टाइप है, क्योंकि ऐसा बोलते तो टाइटेनियम होता है वो सबसे पावरफुल सब्सटेंस है जो हमारी अर्थ पर है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है तो कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो टाइटेनियम वर्ड है वो कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत ज्यादा बहुत पावरफुल होता है, ऐसा हल्का फुल्का तुम मत लेना, हम तो ड्रिफ्ट मार के चलेंगे रे, ये मॉडी ट्रिप और वो भी ट्रक से प्रीमियम कूप के सामने, वाओ टाइटेनियम भाई साहब। सही क्या बोलते हैं वर्ड को, क्या बोलते हैं मैं भूल गया वर्ड का नाम, होता है क्या नाम होता है क्या नाम होता है उसका, चलिए छोड़िए अगली वीडियो में तो नाम याद आ ही जाएगा।
भाई इन्होंने पूरा खाली कर दिया इनको ना, मतलब मैं समझ सकता हूँ यार इनकी हालत बहुत खराब थी, और ऊपर से मैं इनको खाना भी नहीं दे रहा था बहुत टाइम से, तो इसकी वजह से ना इतनी सारी मुर्गियाँ होने की वजह से मुझे लग रहा कुछ तो मर गया, क्योंकि तो वापस आ रही है अपने घोंसले में। घोंसले घोंसला दिखता है, $750 खर्च करके घोंसला बनाया मैंने। वैसे गेम में ना सबसे ताकतवर जो एनिमल लगता है ना मुझे बैर लगता है, और बैर पैसे भी बहुत दिलाता है, $140 दिलाता है शायद, एक बैर मारो $140 मारो। वैसे ना मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, मैं सोच रहा था इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है ना मैंने, क्या बताओ इतनी बढ़िया कॉमेडी करी है मैंने। कह रहा था कि ना अंधेरा हो गया है तो काम करते हैं सो जाते हैं जाके, मेरे को ना यहाँ पर सोने में मजा आता है। मैंने वो घर बेमतलब में बनाया अपने ग्रैंडपा का ड्रीम सच करवाने के लिए। हाँ वैसे आपको बताया मैंने जब मैंने गेम शुरू करा था तो उसके अंदर ना मुझे कार, मतलब सो क्यों नहीं रहा भाई मैं, हाँ मुझे निन्नो करनी है भाई, ये छोटा मोटा दूध पीने वाला बच्चा है जिसको हर बार नींद करवानी पड़ती है। अच्छा ना तो आपको जैसे देखा आपने कि ना मैंने इतने में टोटल 9 लाया था, और 9 में से एक को फिल करने में ही 8 काटने कितने लग चुके हैं, हाँ 9 में से 6, अब 7वां जाएगा ये, 7 7 लग चुके हैं भाई इसको फिल करने के लिए। भाई इतने कोई मजाक की बात थोड़ी है भाई, ये बहुत बढ़िया चीज लग रही है मुझे। और चलिए इनके लिए पानी भी फिल कर देते हैं यार, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा सकते जैसे इन छोटे कूप में लगाते हैं, अंदर जाना ना पड़े और ऐसी बाहर से। मुझे ना ये चीज करना बड़ा बकवास लगता है, इससे बढ़िया ना इसी से भर लो, इसका टैंक कभी खराब नहीं होता क्या ये। अरे मुझे चीज समझ नहीं आ रही, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ना ये जो टैंक होता है इसको हम लोग रिफिल कर सकते हैं क्या, जैसे बकेट को तो हम लोग इसमें वेल में डाल के वो रिफिल कर सकते हैं, लेकिन जो टैंक है उसको मेरे को पता नहीं चल रहा उसको रिफिल कैसे करते हैं। जैसे देखिए ये इतनी सारी मैंने बकेट भर ली है इसके अंदर, पहले 10 15 बार भर चुका हूँ मैं, जो तो मेरी पहले चिकन थी ना उनके लिए मैंने पहले 10 15 बार भर चुका हूँ मैं उनके लिए, तो फिर इसलिए तो मुझे पता नहीं है इसको फिल कर सकता हूँ, सब फिल कर देते हैं सही है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होनी चाहिए उनके लिए। भाई पैसे भी तो बहुत देते हैं, और मैंने ना पिग लाया था भाई, एक छोटू सा पिग इतना पैसा दे जाता है ना रे भाई, मतलब एक छोटू सा पिग इतना पैसा दे गया ना मुझे, मतलब वो एक मेरा ना जब ये पार बान 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 बोलते हैं ना, यहाँ बान बोलते हैं, ये जो बान था ना इसके अंदर मैं छोटा सा पिग रखा था, तो उस पिग के अंदर वो फिर ना जब मेरे को मेरे पे इतना पैसा नहीं था मैं हंटिंग पे चला गया था, तो मैंने अपना बांध का साइज इंक्रीज करने के लिए पिग, मतलब बांध मैंने बना लिया था छोटा सा, तो उसके अंदर पिग रखा था मैंने। सबसे पहला तो मेरा एनिमल रहा है ना, मतलब इन इनके पास जो ये हेंस होती है इनके बाद का मेरा सबसे पहला जो एनिमल है वो मेरा पिग रहा है। इनको भी बाहर निकाल देते हैं, ये बेचारी अंदर रह रही है अपने दोस्तों के साथ, बाहर रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है मुझे, और वैसे भी ये हमारे रेंज से बाहर तो जाने वाली है नहीं क्योंकि सारा सामान खाना इनको यहीं मिलने वाला है। मैडम जी आपको इन्विटेशन चाहिए बाहर आने के लिए, और कोई तो नहीं है ना अंदर, हाँ चलिए है ना। अब हम लोग अब हम सोच रहा हूँ मैं अब आज के लिए बस इतना ही, इसकी शक्ल तो दिखा दे बे अपनी, अब अपनी सड़ी हुई शक्ल दिखा दे यार, क्या है ये F5 दबा के देखूँ व्यू, पागल इंसान। छोड़ो मैं बोल रहा था आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने आज ये सारे कूप को रिस्टोर करा और ट्रक से बहुत बार सामान लाए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पे पाएंगे, उस तब तक के लिए बाय बाय टाटा लव यू सी यू ऑल बाय बाय बाय। मैं थोड़ा सा पागलपंती कर गया सॉरी।